हेलो गाइस, सो प्रीवियस की बहुत सारी वीडियोस की रिएक्शन किए, लाइम मिशन की रहेंगे, फिर उसके बाद में ब्रैडी कूपर, इनके सभी जो जो आज रिव्यू किए, सिकारियो, जॉश ब्रोलिन, बेनिशो डेल टोरो, इन सभी के बारे में जो कुछ बोला है। अभी नेक्स्ट अनदर वन लीजेंड की मूवी है, क्या बोलेंगे इसको, डेंजल वॉशिंगटन का नाम है और इनकी सेफ हाउस, द इक्विलाइजर 1 एंड 2 अमेजिंग मूवीज है, एंड द मैग्निफिसेंट 7 बोल की भी एक है। बहुत सारी मूवीज है लेकिन जो मेरी फेवरेट है मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। तो सेफ हाउस देखेंगे, सेफ हाउस का ट्रेलर देखेंगे, इसमें रायन रेनॉल्ड्स भी है। सेफ हाउस का मतलब क्या है कि अगर कोई गवर्नमेंट काम करती है, कोई भी कंट्री की कोई भी गवर्नमेंट, एक क्रिमिनल को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा रही है, तो किसी को बिना पता चले इन जनरल लोगों को, उस क्रिमिनल को एक सेफ प्लेस से दूसरी सेफ प्लेस शिफ्ट किया जाता है। जब तक वो मेन गवर्नमेंट का सेंटर है वहां तक पहुंचता नहीं है, तब तक उसको वहां तक शिफ्ट किया जाता है। तो यहाँ पे एक क्रिमिनल है टोबिन फ्रॉस्ट बोल के, जो डेंजल वॉशिंगटन ने जिसका रोल अदा किया है, वो क्या करता रहता है, वो एक टॉप एजेंट है CIA का, अमेरिकन सीक्रेट सर्विस का टॉप एजेंट है, लेकिन वो उनके अगेंस्ट हो गया है ऐसा उनके ऑफिशियल्स बता रहे हैं। और रायन रेनॉल्ड्स है, वो एक न्यू कमर है सेफ हाउस सिक्योरिटी में, अभी जो जॉब पे लगा है वो न्यू कमर है। अभी क्या होता है, किस तरह से इन दोनों का क्या बोलेंगे आमना सामना होता है, टोबिन फ्रॉस्ट क्या करना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, रायन रेनॉल्ड्स क्या करना चाह रहा है, वो क्या बताना चाह रहा है, और इसमें से कंक्लूजन क्या निकलता है, कौन करप्ट है। ये एक सेंटेंस है अबाउट करप्शन इन सिक्योरिटी सर्विसेज इन स्टेट्स, पूरे जो भी कोई कंट्रीज है उन सभी कंट्रीज के सभी कंट्रीज के सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर भी एक ऐसे ही स्टेटमेंट बन चुका ही है कि कौन सेफ है, कौन नहीं है, कौन करप्ट है, कौन करप्ट नहीं है, इसके ऊपर। और टोबिन फ्रॉस्ट जो मतलब डेंजल वॉशिंगटन ने एक बात बोली, इसका जो टैगलाइन है मूवी का, सेफ हाउस नो वन इज सेफ हियर, सो वो टैगलाइन आपको पूरा डिस्क्राइब करता है। मैंने मूवी देखी, आप जरूर देखिए मूवी 101%। थोड़ी सी बीच में थोड़ा सा आपको डर लगेगा लेकिन इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। स्टोरी लाइन स्वेट सेंटेंस है मूवी का, सेफ हाउस नो वन इज सेफ हियर। लेट्स वॉच द ट्रेलर और जो इसमें से पॉइंट निकलते हैं वो लास्ट में आपको बताऊंगा। He was one of the most brilliant CIA operatives we ever had until he went rogue. He's responsible for the deaths of multiple agents. This guy's just not going to walk into an American consulate without good reason. So what's new in Cape Town? I heard a slot open up. One slot with 37 applicants. Every one of them with more field experience than you. How am I supposed to get more experience? I'm staring at four walls all day. This is Weston. We have a last minute reservation. Oh my gosh. That's Tobin Frost. Kill all the surveillance cameras in this room. This is legal. Responsible for your house guest. I'm your house guest. They're here for me, but they want me alive. You don't kill. Time's a wasting. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Hey, hey! Get in. You serious? Yeah. Get in the trunk. Consider how your safe house was attacked in the first place. That house was a secure location. Whoever crashed it, they were invited. Someone told them, someone you know. You're not gonna get in my head. I am already in your head. Hands on the mausoleum floor. Blood stains the Coliseum floor. So they're working together? Even disguised as a beast. I think Weston's turned. I'm not your only enemy tonight. Yeah, the money you can't keep, but we probably spent it all because the pain ain't cheap. You can stay blind or you can open your eyes. I'm taking you in. I want you to take me in. Thank you.
He was one of the most brilliant CIA operatives we ever had. Until he went rogue. He's responsible for the deaths of multiple agents. This guy's just not the... Okay. So, that was the trailer of Safe House. बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती है, जैसे रायन रेनॉल्ड्स स्टार्टिंग में बोलता है ओ माय गॉड ही इज़ अ टोबिन फ्रॉस्ट, फिर उसके बाद में और एक लाइन इसमें रायन टोबिन फ्रॉस्ट मतलब डेंजल वॉशिंगटन बोलते हैं कि जो सेफ हाउस था वो बहुत सिक्योर लोकेशन पे था तो फिर भी उसके ऊपर हमला हुआ, तो तुम ये फाइंड आउट करो कि क्यों हमला हुआ, इसका मतलब क्या है कि उन लोगों ने यहाँ पे इन लोगों को इन्वाइट किया है। ये टैगलाइन बहुत कुछ बताती है, और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं मूवी देखने में, आप मूवी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो डेफिनेटली मैंने मूवी के बारे में स्टार्टिंग में ही बोला है, डू चेक आउट दिस मूवी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो जो अवेलेबल है वहाँ पे जाके चेक कीजिए, देखिए थिएटर में तो अभी आपको नहीं मिलने वाली है। इट्स वन ऑफ द ग्रेट अनदर वन ऑसम मूवी ऑफ डेंजल वॉशिंगटन। बाकी की और सारी है द इक्वलाइजर 1-2 उनके ट्रेलर के ऊपर मैं रिएक्शन करूँगा। टिल देन आपने मूवी देखी है नहीं देखी है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपका क्या ओपिनियन है इस मूवी में, अगर नहीं देखी है तो जाके प्लीज चेक कीजिए देखिए, एंड या दैट्स इट, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे, मिलेंगे अगली वीडियो में, पीस, टेक केयर।